इस दुनिया में सारा खेल शक्ति का है और शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। इस पूरी लाइन को सुनिएगा, शक्ति के सृजन में मन की बड़ी भूमिका है। आपका पूरा जीवन मन पे, इसलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं उसमें सजदा का, सर झुकाने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप मंदिर में भी सर झुकाते हुए लोगों को देखोगे, मस्जिद में भी देखोगे, कहीं भी जाओगे तो सर झुकाने का बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन यहां से संचालित है। स्टीफन हॉकिंग्स की फोटो अगर कभी आप देखो, शरीर खराब है, मन ठीक है। नोबेल प्राइज विनर, 24 प्राइज दुनिया में। और दुर्योधन की अगर आप फोटो देखो तो पूरा शरीर ठीक है, दिमाग खराब है। स्वामी विवेकानंद गए यूरोप अमेरिका, कोई टाई नहीं, कोई सूट नहीं, कुछ नहीं, कितना सम्मान हुआ। तो वो सम्मान किसका था? ज्ञान का। आज डॉक्टर अंबेडकर भगवान के समान इस देश में है, वो सम्मान किसका है? उनके ज्ञान का। किसने उन्हें इतना ताकतवर बनाया? ज्ञान ने। कभी आपको मौका लगे आप डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना, कंपलसरी पढ़ना। मतलब दो किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए, एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको। आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या, उसमें 13 चैप्टर है, और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए।